Hello students, in today's video I am going to continue characteristic of sound. बच्चे हमने sound की two characteristic पहले ही पढ़ रखी है. First is amplitude and second is time period. अभी हम frequency से start करेंगे. बच्चे frequency क्या होती है? It is number of oscillation per second of a vibrating body. Vibrating body जो oscillation करती है तो आपको क्या करना है, वन सेकेंड में वो कितनी ऑसिलेशन कर रही है उसको काउंट करना है. एंड दैट नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी. एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी? यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्ज, जिसको हम एच जेड भी लिखते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लाउडनेस. इट इज डिग्री ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ईयर बाय अ साउंड. कोई साउंड आपकी ईयर पे कितनी सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, दिस इज कॉल्ड लाउडनेस. एंड यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल, जिसको हम शॉर्ट में डी बी लिखते हैं. क्लियर? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस डिपेंड, मीन्स कब कब आपको लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है या कब कब आपको लाउड साउंड सुनाई पड़ता है. फर्स्ट फैक्टर इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी. अगर वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड स्मॉल होगी देन एट दैट टाइम स्मॉल साउंड प्रोड्यूस होगी. ओके, सेकेंड फैक्टर इज एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. लार्जर द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, लाउडर इज द साउंड. वाइब्रेटिंग बॉडी की अगर एरिया ज़्यादा होगी देन इट विल प्रोड्यूस लाउड साउंड. एग्जाम्पल, अ लार्ज साउंड, अ लार्ज ड्रम प्रोड्यूसेस अ लाउडर साउंड देन अ स्मॉल ड्रम. बच्चे आप कंपेयर कर सकते हैं, आपके पास एक बड़ी सी ड्रम है उसके ऊपर आप अगर हिट करोगे तो वो लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगी, जबकि स्मॉल ड्रम को हिट करने से वो स्मॉल साउंड प्रोड्यूस करेगी. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो लार्ज ड्रम है उसकी एरिया ज़्यादा है, तो उतनी ही फोर्स से अगर हम दोनों पे हिट करेंगे फिर भी हमें लार्ज ड्रम ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगी. ओके, थर्ड इज डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द लिसनर. थर्ड फैक्टर क्या हुआ? डिस्टेंस किसके किसके बीच? सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर के बीच में. जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड मैं हुई और लिसनर आप हुए, हमारे एंड आपके बीच की जो डिस्टेंस है उस पर भी साउंड की लाउडनेस डिपेंड करती है. क्लियर है बच्चे? एक्चुअली मैंने जो एग्जांपल लिया है दिस इज़ फॉर क्लासरूम. अभी तो आप सबको इक्वल आवाज़ सुनाई देगी, बट अगर क्लासरूम में जो बच्चा दूर बैठा है उसको मेरी आवाज़ कम लाउड सुनाई देगी. क्लियर? नेक्स्ट इज पिच. पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक विच डिटरमाइन द श्रिलनेस ऑफ अ साउंड. पिच साउंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो साउंड के श्रिलनेस को डिटरमाइन करती है. जिस साउंड की पिच लो होगी, लो पिच दैट मीन्स लो फ्रिक्वेंसी की जो साउंड होगी उसकी आवाज़ कैसी होगी? होरास. बट हाई पिच वाली जो साउंड है उसकी वो कैसी होगी साउंड? श्रिल साउंड कहलाएगी. ओके, नेक्स्ट इज क्वालिटी और टिम्बर. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की. एंड इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही हम टू साउंड के बीच डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. सपोज कर लो आप गर्ल एंड बॉय, इनकी आवाज़ में डिफरेंस कैसे पता करते हो? ये क्वालिटी की वजह से ही आप उनके बीच डिफरेंशिएट कर पाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज हाउ साउंड ट्रैवल. बच्चे आपको पता होना चाहिए कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है. अगर मीडियम नहीं होगी देन साउंड विल नॉट ट्रैवल. साउंड ट्रैवल नहीं होगी. ओके, क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन को सोर्स ऑफ साउंड से लिसनर तक पहुंचने के लिए उस सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर के बीच एक मीडियम होनी चाहिए, ताकि उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करें एंड वो वाइब्रेशन के थ्रू साउंड को सोर्स ऑफ साउंड से आप तक पहुंचा सके. ओके,
द पार्टिकल्स इन एयर, सपोज कीजिए मैंने किसी चीज़ को हिट किया एंड मेरे पास ही कोई और बच्चा बैठा हुआ है, उस तक वो आवाज़ पहुँचेगी। ऐसा क्यों? एक्चुअली उस बच्चे एंड मेरे बीच, जहाँ मैंने स्ट्राइक किया था, जिस सरफेस को स्ट्राइक किया था, उसके बीच क्या थी? एयर थी, एयर के पार्टिकल्स थे। अब ये जो पार्टिकल ऑफ एयर है, यही साउंड वाइब्रेशन को क्या करेंगे? उस बच्चे तक पहुँचाएंगे। ओके, साउंड गैसेस में स्लोअर रेट से मूव करती है देन लिक्विड एंड सॉलिड, बिकॉज पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट, सो दे कोलाइड लेस ऑफन। अभी जो साउंड है, अभी हमने देखा कि ये गैसेस में स्लो ट्रैवल करती है। क्यों? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं, अगर वो वाइब्रेट भी करेंगे तो उनको कोलाइड होने में टाइम लगेगा, या कभी कभी वो कोलाइड भी नहीं होंगे। तो अगर कोलाइड नहीं करेंगे, एक दूसरे को स्ट्राइक नहीं करेंगे, देन वो वाइब्रेशन आप तक पहुँचेगा कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा था कि वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। यस बच्चे, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, उसको हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। इसमें एक ये बेल जार है जिसको कॉक से कवर किया हुआ है एंड इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल को रखा हुआ है। यहाँ पे बैटरी है, बैटरी को आप जैसे ही कनेक्ट करोगे यहाँ पे बेल रिंग होगी, बेल रिंग होगी और आपको आवाज़ सुनाई देगी। ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, इस बेल जार के अंदर, आपको पता है कि इसके अंदर हवा है, एयर है, उस एयर को क्या करना है, वैक्यूम पंप की हेल्प से रिमूव कर देना है। ओके, जब आप रिमूव कर दोगे तो इसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम मतलब यहाँ पे एयर नहीं है। अब अगर आप बेल को रिंग करोगे तो इस टाइम आपको इसकी साउंड नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, साउंड को आपके ईयर तक पहुंचने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है एंड उस मीडियम को हमने वैक्यूम पंप के थ्रू हटा दिया है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर होता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू।